स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन इस समय टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर वह भारतीय टीम के साथ गए थे, लेकिन दौरे की शुरुआत में ही ब्रेक लेकर वापस लौट आए थे। तब से वह लाइमलाइट से गायब हैं। उनका कोई अता पता नहीं था। BCCI और टीम मैनेजमेंट को भी अब तक उन्होंने अपने आगे के प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया है, मगर करीब डेढ़ महीने बाद उनके ठिकाने का पता चल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशान इस समय बड़ौदा में हैं। वह किरण मोरे एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वह हार्दिक पांड्या और क्रोनाल पांड्या के साथ बड़ौदा के रिलायंस स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। हार्दिक भी रिहैब में है और उनके IPL में वापसी करने की संभावना है। हार्दिक मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं और ईशान भी इसी टीम से खेलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशान अब सीधे IPL में खेलते नजर आएंगे, हालांकि इस बारे में उन्होंने किसी को कोई जानकारी नहीं दी है। IPL के तुरंत बाद विश्व कप होना है और इस लीग को विश्व कप के लिए टीम चुनने का एक जरिया माना जा रहा है। ईशान IPL को टारगेट बना सकते हैं, हालांकि उन्होंने अपनी उपलब्धता को लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं दी है। भारतीय टीम मैनेजमेंट और कोच राहुल द्रविड़ को ईशान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हाल ही में दूसरा टेस्ट जीतने के बाद जब राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने ईशान को लेकर बयान दिया था। किशन ने दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर आराम मांगा था और तब से एक्शन में नहीं दिखे हैं। जब द्रविड़ से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी से पहले उन्हें कुछ घरेलू क्रिकेट खेलना होगा ताकि वह सिलेक्शन के लिए फिर से उपलब्ध हो सकें। हालांकि द्रविड़ और मैनेजमेंट से मैसेज के बाद भी किशन रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं। वह झारखंड टीम का हिस्सा है। द्रविड़ ने कहा था कि सब कुछ ईशान पर ही निर्भर है कि आगे उन्हें क्या करना है। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को भी ईशान ने खेलने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। ईशान के BCCI और टीम मैनेजमेंट को कोई जानकारी दिए बिना घूमने फिरने का रवैया सही नहीं लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका असर उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी पड़ सकता है। उन्हें केंद्रीय अनुबंध से बाहर किया जा सकता है। ईशान फिलहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी सी में है। उनकी एनुअल सैलरी 1 करोड़ रुपए है। उनके इंग्लैंड के खिलाफ बाकी बचे 3 टेस्ट के लिए चुना जाना भी लगभग नामुमकिन है। ऐसे में चयनकर्ता ध्रुव जुरेल और KS भरत को ही चुन सकते हैं। ईशान की गैर मौजूदगी में शुरुआती 2 टेस्ट के लिए इन दोनों को ही विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी दी गई थी।